हेलो फ्रेंड्स, मैं हेमंत हूँ। आज हम लोग जनरल साइंस का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम लोग जनरल साइंस में आज वनस्पति विज्ञान से संबंधित जनरल नॉलेज है उसको हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। जो कि लैब अटेंडेंट जो आगामी एग्जाम आएगा, जो मतलब आने वाला है समय में एग्जाम होगा, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली फरवरी मार्च में इसका एग्जाम होगा। जो पीएससी प्री एग्जाम होगा ना, उसके बाद ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो लैब अटेंडेंट और अदर एग्जाम है जो व्यापम लेगा, ठीक, वो सब मतलब या सीजी डिपार्टमेंट हायर एजुकेशन, क्योंकि नया गवर्नमेंट बन गया है, तो जो मतलब हायर एजुकेशन है छत्तीसगढ़ का, लैब अटेंडेंट का जो निकाला था ना पोस्ट, उसमें उसका एग्जाम आप मान सकते हैं कि क्या है, फरवरी मार्च में आएगा। जो पीएससी का जो सीजीपीएससी प्री एग्जाम होता है ना, उसके बाद ठीक। तो हम लोग इसीलिए हम लोग आज जो वनस्पति विज्ञान है, ठीक, मतलब जूलॉजी, उसके जो जनरल में जानकारी है उसको हम लोग स्टडी करने वाले हैं, ठीक। तो आप तो इससे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो जनरल साइंस के सेक्शन में उसको मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहला इसमें हमें देखना है शैवाल के बारे में, ठीक है। शैवाल, तो इसमें शैवाल के बारे में क्या जानना है, तो इसमें क्या है, क्लोरोफिल पाया जाता है पहला, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होगा, थैलस शरीर होती है, अर्थात जड़ तना पत्ती में विभेदित नहीं होती है। तो पहला चीज क्या है, शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है, इम्पोर्टेंट। शैवाल के कोशिका में सेल्युलोज की बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है, ठीक। तो मतलब क्या है, शैवाल में जो सेल है ना, उसमें सेल्युलोज की बनी कोशिका भित्ति, सेल वाल, इसमें सेल वाल पाया जाता है, ठीक। और नाशक नामक शैवाल को चीनी वासी भोज्य पदार्थ के रूप में उपयोग करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, नाशक नामक एक शैवाल है, नाशक नामक एक शैवाल है, ठीक। इम्पोर्टेंट है, नाशक नामक शैवाल है, ठीक। जो चीनी लोग क्या है, भोज्य पदार्थ के रूप में इसका यूज करते हैं, उपयोग। तो शैवाल का अध्ययन, ठीक, मतलब स्टडी ऑफ शैवाल, ठीक। तो मतलब इसमें क्या है, फाइकोलॉजी, ठीक है, फंगस, मतलब स्टडी ऑफ फंगस को फाइकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। फंगस शैवाल, ठीक है, फंगस इंग्लिश में इसको फंगस बोलते हैं, फंगस, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, तो उसके स्टडी को फाइकोलॉजी बोला जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ फंगस मतलब शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी, उसका इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट ऑफ एल्गी, सॉरी गलत हो रहा है, शैवाल को हम लोग एल्गी बोलते हैं, यहाँ पे इंग्लिश में गलत हो रहा है, आप सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ एल्गी होते हैं, तो स्टडी ऑफ एल्गी मतलब शैवाल का अध्ययन को फाइकोलॉजी बोला जाता है, फाइकोलॉजी। तो ये क्या है, भोजन के रूप में उपयोगी होता है, शैवाल मतलब एल्गी, ये क्या है, भोजन के रूप में उपयोग होता है, अगर अगर जिलेडियम नामक शैवाल से प्राप्त होता है, ठीक। तो अगर 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 किससे प्राप्त होता है, बोल सकता है, जिलेडियम नामक का शैवाल, मतलब जिलेडियम नामक का एक एल्गी पाया जाता है, उससे प्राप्त होता है अगर अगर, ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। उसके बाद क्लोरेला, ठीक है, क्लोरेला अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक। अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा भोजन के रूप में प्रयोग किया जाने वाला क्या है, तो क्लोरेला, ठीक। ये क्या है, एक शैवाल है मतलब एल्गी है, तो ये सबको आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा कवक फंगी, ठीक, इसको इंग्लिश में फंगी बोलते हैं, कवक, कवक विज्ञान के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है, ठीक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कवक विज्ञान के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है, ठीक। कवक से पेनिसिलिन प्राप्त होता है, पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है, ठीक है, ऑप्शन में रहेगा कवक, शैवाल, ठीक है, कवक, ठीक है, कवक से पेनिसिलिन प्राप्त होता है, ऐसा। और इसमें देखते हैं, और इसमें इसको मिटा देता हूँ, पेज पर ठीक है। तो आई होप यू आर क्लियर, राइट। तो यहाँ पे हम लोग सवाल के बारे में देख चुके हैं, एंड कवक के बारे में भी देख चुके हैं। यहाँ पे नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट हमारा आता है पादप आकार की, ठीक है। मतलब यहाँ पे फिर
प्लांट के बारे में हम लोग देख रहे हैं, तो जड़ों का रूपांतरण, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट देख रहे हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में जड़ों का रूपांतरण, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, तो पौधों द्वारा अपने विपरीत परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए कुछ भोज्य पदार्थों को संग्रहित कर एक विशेष रूप या आकार ले लेते हैं। यह प्रक्रिया जड़ों का रूपांतरण कहलाता है। ठीक, तो ये जड़ों का रूपांतरण है, मूसला जड़ का रूपांतरण। ठीक, तो मूसला जड़ का रूपांतरण है, तो मूसला जड़ का रूपांतरण है, तो यहाँ पे फ्यूजिफॉर्म, इस प्रकार के मूसला जड़े मध्य में फूल जाते हैं और शीर्ष और आधार पर पतली हो जाती है, जैसे मूली। ठीक, तो मूसला जड़ का रूपांतरण है, जो एग्जाम्पल है मूली है, यहाँ पे तरकुरु, तरकुरु फ्यूजी फॉर्म, ये मूसला जड़ का है, जो फ्यूजी फॉर्म तरकुरु में जैसे क्या है मूली, तो इसमें क्या मूसला जड़े मध्य में फूल जाते हैं और शीर्ष और आधार में पतली हो जाती है। ठीक, मतलब तो शीर्ष और आधार पतली हो जाती है। ये अब उसके बाद यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो है देख लेते हैं। उसके बाद जो दूसरा है शंकुरु, ठीक, कोनिकल फॉर्म, इस प्रकार की मूसला जड़ें शीर्ष की ओर मोटी किंतु नीचे की ओर पतली हो जाती है, जैसे गाजर। ठीक है, तो शीर्ष की ओर मतलब टॉप में क्या होगा ऐसा, ठीक, ऐसा होता है ना, गाजर का शीर्ष में क्या होगा, ठीक, तो शीर्ष में क्या होगा मोटा होगा और जो नीचे की ओर क्या है पतला हो जाता है, तो ये गाजर का है। तो उसके बाद कुंभी रूप, नेपी फॉर्म, इस प्रकार के मूसला जड़ों का ऊपरी भाग लगभग गोल तथा फूल मतलब फुला होता है तथा निचले तरफ से एकाएक पतला हो जाता है। ठीक है, ऐसा मतलब, ठीक है, ऐसा गोल रहेगा। इस तरह से, तो यहाँ पे फूल या गोल रहता है, ये इसका एग्जाम्पल है सलजम, चुकंदर। ये सलजम और चुकंदर जो है वो नेपी फॉर्म में होता है। ठीक है, तो उसका मॉडिफिकेशन आप स्टेम, जो तना का रूपांतरण है ना, उनके बारे में देखें। पौधे के तने विपरीत परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए कुछ विशेष प्रकार के रूपांतरण करते हैं, जिन्हें तना का रूपांतरण कहते हैं। तना का रूपांतरण मुख्यतः दो प्रकार से होता है। ठीक, तो पहला जो है तना का रूपांतरण मुख्यतः दो प्रकार से होता है, पहला भूमिगत तने का रूपांतरण। ठीक है, तो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, ये पहला हो गया। तो इसको नीचे करते हैं। हाँ, मिटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भूमिगत तने का रूपांतरण, अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। ठीक है, इसमें क्या है प्रकंद तना, ठीक है, दूसरा स्तंभ कंद तना, तीसरा शल्क कंद रूपांतरण तथा घन कंद तना रूपांतरण। ठीक, तो इस प्रकार से होते हैं। तो प्रकंद तना रूपांतरण राइजोम का होता है। ठीक, राइजोम, तो उदाहरण में इसमें हल्दी, अदरक और फर्न है। स्तंभ कंद तना, स्तंभ कंद तना रूपांतरण ट्यूबर, इसमें उदाहरण है आलू। तो शल्क कंद रूपांतरण बल्ब, उदाहरण प्याज, लहसुन, प्याज लहसुन में शल्क कंद रूपांतरण। घन कंद तना रूपांतरण, ठीक है, तो उसमें उदाहरण जिमीकंद कचालू, जिमीकंद कचालू। और दूसरा जो है मतलब अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है ना, मतलब भूमि के नीचे में, तो इसका होता है। अब दूसरा जो है वायवीय तने का रूपांतरण, एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, जो तना होता है ना उसका एरियल में, हवा में। ठीक, तो उसका जो होता है ऊपरी भूस्तरीय तना रूपांतरण, दूब घास इसका एग्जाम्पल, भूस्तारिका, जलकुंभी, कटंग स्तंभ, गुलाब, नींबू, स्तंभ प्रधान तना रूपांतरण, अंगूर, बुटेसी। ठीक है, तो यहाँ पे नोट में देखो, नोट इंपोर्टेंट होता है, रनर यह मिट्टी के समानांतर गति करता है। रनर क्या है बोल देगा, यह मिट्टी के समानांतर गति करता है ना, जैसे दूब घास, स्टोलन, पुदीना। ठीक, तो ये इस टाइप से यहाँ पे अलग अलग जो तना का रूपांतरण है देख सकते हो। ठीक है,
इसको आप मिटा देते हैं, मिटा देते हैं। यहाँ पे हमारा अगला जो टॉपिक होगा, जो अगला टॉपिक है यहाँ पे पादप हार्मोन्स के बारे में देखते हैं। पादप हार्मोन्स, फाइटो हार्मोन्स और प्लांट हार्मोन्स, ठीक। तो इसके बारे में आता है, प्लांट हार्मोन्स के बारे में पूछा जाता है, ठीक। तो पादप हार्मोन्स के प्रकार, ठीक। तो जो टाइप्स है, क्या किस प्रकार के पादप हार्मोन्स पाए जाते हैं वो देख लेते हैं। पहला जो टाइप है ना, ऑक्सिन, एक दूसरा जिब्रेलिन्स, तीसरा साइटोकाइनिन, चौथा इथिलीन, पांचवा एब्सिसिक एसिड, छठवां फ्लोरीजेन। तो 6 प्रकार के प्लांट हार्मोन्स होते हैं, ठीक। इनका जो इम्पोर्टेंट है क्या क्या है वो देखना है। पहला जो है ऑक्सीन, ठीक। ऑक्सीन पादप हार्मोन, प्लांट हार्मोन, ये क्या है, प्रकृति में पाए जाने वाले प्राकृतिक रूप से ऑक्सीन हार्मोन, ठीक। नेप्थलीन IAA, ठीक। इंडोल ऑटिक एसिड पूछ देगा, IAA का फुल फॉर्म क्या है पूछ देगा। इंडोल ऑटिक एसिड होता है, ये कोशिकाओं के दृढ़ीकरण द्वारा वृद्धि को नियंत्रित करते हैं, ठीक है। कोशिकाओं के दृढ़ीकरण द्वारा वृद्धि को नियंत्रित करते हैं, ये पूछा गया है सीजी व्यापम में, पूछा गया है। तो ऑक्सीन क्या है, प्रकृति में पाया जाने वाला प्राकृतिक रूप से ऑक्सीन हार्मोन, नेप्थेलिन IAA, इंडोल ऑटिक एसिड, क्या क्या है, IAA का फुल फॉर्म पूछ देगा, इंडोल ऑटिक एसिड, ठीक। ये कोशिकाओं के दृढ़ीकरण द्वारा वृद्धि को नियंत्रित करते हैं, ठीक। अब इसका जो फंक्शन है देख लेते हैं, जो ऑक्सीन के कार्य क्या है वो देख लेते हैं। तो कंट्रोल ऑफ डॉर्मेंसी इंपॉर्टेंट, ठीक। कंट्रोल ऑफ डॉर्मेंसी, तो बीज सुषुप्ता नियंत्रण करता है, उदाहरण आलू को लंबे समय तक प्रिजर्व करके रखा जाता है, ठीक है। मतलब ऑक्सीन हार्मोन के कारण क्या है, उसको बहुत कोई भी जैसे है ना, उसको बहुत तो प्रिजर्व करके रखा जाता है, कंट्रोल ऑफ डॉर्मेंसी, ठीक है। तो ये तो ऑक्सीन की अधिक मात्रा तने की वृद्धि को प्रेरित करती है, ठीक है। अगर ऑक्सीन की मात्रा अधिक है, तना की वृद्धि को क्या करेगा, प्रेरित करेगा, मतलब ज्यादा होगा तना का वृद्धि बढ़ेगा, जबकि कम मात्रा जड़ की वृद्धि को, ठीक है। अगर कम मात्रा है तो जड़ की वृद्धि को क्या करेगा, प्रेरित करेगा। ऑक्सीन कुछ पौधों में पुष्पन को प्रेरित करता है, ठीक है। तो ऑक्सीन कुछ पौधों में पुष्पन को प्रेरित करता है, इस टाइप से। अब इसका ऑक्सीन के बारे में हो गया। तो हमारा नेक्स्ट जो यहाँ पे हार्मोन है वो तो देखते हैं, यहाँ पे जिब्रिलिन के बाद होता है जिब्रिलिन, तो इसको मिटा देते हैं। ठीक है, हमारा अगला जो यहाँ पे जिब्रिलिन्स के कार्य, ठीक है। ये पौधों की लंबाई में वृद्धि करते हैं, पौधों की लंबाई में वृद्धि कौन सा हार्मोन करता है, जिब्रेलिन, ठीक है। तो और उनकी जरावस्था को रोकते हैं, ठीक है। जरावस्था को रोकते हैं मतलब क्या है, जल्दी ओल्ड नहीं होती, ठीक है, ताकि फल पेड़ अधिक समय तक लगे रह सके, ठीक है। तो जो फल है, ठीक है, वो अधिक समय तक पेड़ में लगे रहेंगे, तो जिब्रेलिन्स का काम है, ठीक है। जिब्रेलिन्स चुकंदर पत्ता गोभी जैसे पादपों में वोल्टिंग पुष्पन के पहले अंत वर्प का दीर्घीकरण को बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये बीजों की प्रसुप्ति तोड़ने में भी इनका उपयोग किया जाता है, तो बीजों की प्रसुप्ति तोड़ने में भी इनका उपयोग किया जाता है, ठीक है। मतलब ज्यादा देर तक वो रहते हैं, ठीक है, मतलब जरावस्था को रोकते हैं, ठीक है, मतलब ताकि फल पेड़ पर अधिक समय तक लगे रह सके, ठीक है। जो फल लगे रहते हैं ना पेड़ में, तो ज्यादा ज्यादा देर तक रहेंगे, इसके लिए जिब्रिलिन्स का ये पादप हार्मोन है उसका उपयोग होता है। और जो बीजों के जो बीज होते हैं उनका प्रसुप्ति मतलब वो ज्यादा देर तक रख सकते हैं, ठीक है, मतलब उसका जो बीजों की प्रसुप्ति है वो तोड़ने में उनको उपयोग किया जाता है। अब अगला हमारा साइटोकाइन है, वृद्धि को प्रेरित करता है, मतलब प्लांट के वृद्धि को प्रेरित करता है, साइटोकाइन आ गया है, देखो सीजीपी से प्री में वृद्धि मतलब क्या है, ग्रोथ को बढ़ाने में साइटोकाइन हार्मोन्स काम आते हैं। इथिलीन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इथिलीन जो पादप हार्मोन है, यह एक मात्र हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में होता है, ठीक है। मतलब क्या है, गैसीय स्टेट में होगा, इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, कच्चे फलों को पकाना, ठीक है। कच्चे फल है उसको पकाना है, तो हम लोग इथिलीन पादप हार्मोन का यूज करते हैं, गैसीय अवस्था में रहता है। इसको कोई भी जैसे अगर किसान है वो अगर खेत तो उसको मतलब फल लगाया है तो उसको पकाना है, तो वो इथिलीन का उपयोग करते हैं, गैसीय अवस्था में होता है, जिससे कि जो कच्चे फल है ना
पक जाते हैं। ठीक, तो फलों को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन यूज किया जाता है? इथिलीन। फलों के पकते समय इसकी सांद्रता बढ़ जाती है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, यह वृद्धि अवरोधक हार्मोन है, ठीक है, यह वृद्धि अवरोधक हार्मोन है। इस टाइप से यहाँ पे हार्मोन जो हार्मोन है उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं, तो रफ कर देते हैं, आगे बढ़े। प्रीवियस ईयर में आया है साइटोकाइनिन, उसके बारे में एंड इथिलीन के बारे में। फलों को पकाने के लिए इथिलीन और वृद्धि को प्रेरित मतलब बढ़ाता है तो साइटोकाइनिन, वृद्धि को कम करता है, वृद्धि अवरोधक अगर बोला तो इथिलीन, और वृद्धि प्रेरित मतलब उस वृद्धि बढ़ाएगा, ग्रोथ बढ़ेगा साइटोकाइनिन। इस टाइप से अब आगे देखते हैं, तो जानना है इसमें नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे एफसीसिक एसिड, ये भी क्या है, हार्मोन है, विगलन एवं जीर्णता को बढ़ाता है, ठीक है, विगलन एवं जीर्णता को बढ़ाता है, यह वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को नियंत्रित करता है। वाष्पोत्सर्जन होता है ना, ठीक है, उसको उसकी क्रिया को क्या कर नियंत्रित करता है, तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को नियंत्रित करने वाला कौन सा हार्मोन है? तो एफसीसिक एसिड। एफसीसिक एसिड विगलन एवं जीर्णता को बढ़ाता है, विगलन एवं जीर्णता को बढ़ाता है, कौन बढ़ाता है? एफसीसिक एसिड, फ्लोरीजेन, ठीक है, फ्लोरीजेन, ये भी एक क्या है, हार्मोन है, पादप हार्मोन, पुष्पीकरण की प्रक्रिया को प्रेरित करता है, ठीक है, पुष्पीकरण की प्रक्रिया को प्रेरित करता है, मतलब क्या है कि जो फूल है ना, फूल ज्यादा बनेगा, फ्लोरीजन अगर हार्मोन है, फूल उसका कोई भी पौधा है उसका फूल बनेगा तेजी से, ठीक, ये इसका इम्पोर्टेंट है। तो इसमें इसको रख कर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है जो एग्जाम में आते हैं वो देखना है। इम्पोर्टेंट तत्व, इम्पोर्टेंट फैक्ट, पौधों की वृद्धि के लिए 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, ठीक है, 16 पूछ देगा, पौधों की वृद्धि के लिए कितना पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? 16, जिनमें से 7 मात्रिक पोषक तत्व तथा 6 लघु मात्रिक पोषक तत्व है, ठीक है, प्राथमिक जो मैक्रो न्यूट्रेंट है ना, मैक्रो न्यूट्रेंट जो पौधों की वृद्धि को संयंत्र में सहायता करते हैं, ठीक है, तो एफसीसिक एसिड क्या है, यहाँ पे प्राथमिक मैक्रोन्यूट्रिएंट, जो मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं जो पौधे वृद्धि में समझ में सहायता प्रदान करते हैं, नाइट्रोजन एन, ठीक है ना, फास्फोरस एंड पोटेशियम, तो तीन जो मैक्रोन्यूट्रिएंट है ना, मतलब प्राथमिक मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो पौधों वृद्धि के संबंध में सहायता करते हैं, ठीक, तो सबसे ज्यादा हमें उसमें जो मैक्रोन्यूट्रिएंट है वो क्या है, नाइट्रोजन फास्फोरस एवं पोटेशियम। अगर पौधों को हमें वृद्धि कराना है तो हमें एनपीके जो है ना, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम, ये बहुत ही आवश्यकता होती है, इसलिए इसको मैक्रोन्यूट्रिएंट की श्रेणी में रखा जाता है, ठीक, तो ये इसको हटाते हैं। यहाँ पे थोड़ा पुष्प के बारे में देखते हैं, ठीक, तो नेक्स्ट जो हमारा होगा, तो यहाँ पे हम लोग अभी देखेंगे पुष्प फूल फ्लावर, ठीक है, पुष्प फूल फ्लावर के बारे में। पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है जिस पर गांठे तथा रूपांतरित पुष्पी पत्तियां लगी रहती हैं, पुष्प प्राय तने या शाखाओं के शीर्ष पर उत्पन्न होकर प्रजनन का कार्य करते हैं और फल एवं बीज का निर्माण करते हैं, ठीक, जो पुष्प है ना वो प्रजनन काम करता है, फल एवं बीज निर्माण करता है, यदि पुष्प में एक ही जनन अंग हो उसे एक लिंगी तथा एक ही पुष्प में दो दोनों जनन अंग हो उसे द्विलिंग पुष्प कहते हैं, ठीक है, मतलब अगर फूल है ना कोई फ्लावर उसमें जनन अंग एक है उसको एक लिंगी पौधा बोलेंगे, और पुष्प में दोनों जनन अंग होते हैं तो उसे द्विलिंगी पुष्प कहते हैं, ठीक, तो पुष्प के चार भाग होते हैं, तो फूल है ना फ्लावर में चार भाग होते हैं, पहला बाह्य दल पुंज कैलिक्स बोलते हैं इसको, दूसरा दल पुंज कोरोला बोलते हैं, तीसरा पुमंग एंड्रोसियम, ठीक है, चौथा जायन डायनोक्सियम, तो ये चार भाग होते हैं पुष्प में। उमंग को क्या बोलते हैं, या पुष्प का नर जनन अंग होता है, ठीक है, तो नर जनन अंग पुष्प का क्या है, उमंग है,
और यह जो जायांग है, जायांग पुष्प का मादा जनन अंग, पूछ देगा कि पुष्प का मादा जनन अंग क्या है जायांग, और पुष्प का नर जनन अंग आता है उमंग। चार प्रकार के होते हैं ना, तो इसमें इसमें इम्पोर्टेंट और क्या है वो देखते हैं। तो यहाँ पे मिसलिनियस है ना कुछ, और जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं, तो मिसलिनियस के बारे में देखते हैं। पुनेन सिंगुना वृक्ष की साल से प्राप्त होती है। पुनेन किससे प्राप्त होता है? सिंगुना वृक्ष से, तो सीजीपीएससी में आ गया है। पुनेन किससे प्राप्त होता है? सिंगुना वृक्ष की छाल से। तद अफीम पौधों के फल डोडो से प्राप्त होता है, ठीक है, अफीम पौधों के फल डोडो से प्राप्त होता है। उसके बाद जो अफीम पौधों के फल डोडो से प्राप्त होता है, तो अफीम जो है, अश्वगंधा इंडियन जीन से रोग के नाम जाना जाता है, ठीक। अश्वगंधा जो है वो इंडियन जीन से रोग के नाम से जाना जाता है, ठीक। तो सर्वाधिक प्रोटीन सोयाबीन पाया जाता है। सर्वाधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? सोयाबीन में पाया जाता है, ठीक। शुगर बेली तरबूज फसल की प्रजाति है। शुगर बेली तरबूज फसल की प्रजाति है, ठीक। शुगर बेली किसकी प्रजाति है? तरबूज फसल की प्रजाति है। फन में प्रयुक्त कत्था अथवा कराचू और खैर वृक्ष से प्राप्त होती है। फन में प्रयुक्त कत्था अथवा कराचू खैर वृक्ष से प्राप्त, खैर वृक्ष से प्राप्त होने वाले कत्था है, कराचू है। चाय पत्ती एवं काफी महत्वपूर्ण हो जब कैफीन होता है, ठीक है। चाय पत्ती एवं काफी में क्या पाया जाता है? कैफीन पाया जाता है, ठीक। आलू में पाया जाने वाला वनस्पति विषाक्त सोलाना इन कहलाता है। आलू में पाया जाने वाला वनस्पति विषाक्त सोलाना इन कहा जाता है, ठीक। तो मतलब उसमें एक रोग होता है आलू में, वो तो क्या होते हैं? सोलाना इन। करनाल बंट एक पादप रोग है। करनाल बंट क्या है? एक पादप रोग है, ठीक। पादप रोग के बारे में पूछ देगा, करनाल बंट क्या है? पादप रोग है। यूरिया और उर्वरक में सर्वाधिक नाइट्रोजन की मात्रा होती है, ठीक है। यूरिया में सर्वाधिक किसकी मात्रा होती है? नाइट्रोजन की, ये पता रहना चाहिए। 46% नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक। 46% यूरिया में, जो कि बहुत ही उपयोगी होता है प्लांट के ग्रोथ के लिए, ठीक। फर्टिलाइजर के रूप में यूज किया जाता है। तो आगे देखते हैं, नेक्स्ट किस में हम देखने वाले हैं? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश तो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इसके द्वारा क्या होता है? जो भी पौधा है वो अपना एनर्जी प्राप्त करता है, खाना बनाता है। यह एक प्रकाश रासायनिक कभी ऑक्सीकरण के भीतर, ठीक। केमिकल ऑक्सीडेशन होता है। फोटोसिंथेसिस क्या है? केमिकल ऑक्सीडेशन। इसमें प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, ठीक है। तो मतलब अगर फोटोसिंथेसिस है तो आप समझ सकते हैं, जो इसमें लाइट एनर्जी है, तो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदला जाता है, ठीक है। लाइट टू केमिकल फोटोसिंथेसिस। जैसे इसमें क्या होगा, 25 से 35 डिग्री में टेम्परेचर होना चाहिए, 25 से 35 डिग्री। और इसमें जो इस रिएक्शन होता है उसमें जो लास्ट प्रोडक्ट है क्या होगा? ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज। और यह लाल और नीले रंग के प्रकाश तेजी से होता है, ठीक। तो अगर रेड एंड ब्लू कलर का लाइट है, रेड एंड ब्लू, इसमें फास्ट होगा। और वायलेट है और पीले रंग है, अगर पीला मतलब येलो एंड वायलेट है, सबसे कम होता है, ठीक। तो ये इम्पोर्टेंट है, किस कलर के लाइट में फोटोसिंथेसिस तेजी से होता है? तो लाल एंड नीला, रेड एंड ब्लू, ठीक है। और स्लो होता है वायलेट एंड येलो। तो इसमें और इसमें जो ऑक्सीजन यूज होता है वो वाटर से प्राप्त होता है, ठीक। तो जो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो जो ऑक्सीजन रिलीज होता है वो जल से, वाटर से, मतलब वाटर से इसमें ऑक्सीजन बनता है। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित होती है, जो CO2 होता है, ठीक है। CO2 बन जाता है कार्बोहाइड्रेट, C6H12O6। अब इस प्रक्रिया, इस रिएक्शन में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण किया जाता है, ठीक है। CO2 इसमें कंज्यूम होगा और ऑक्सीजन क्या होगा? रिलीज होगा। आप इसका रिएक्शन देख सकते हैं, ठीक है। रिएक्शन जो है फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन।
उसमें 6 CO2 + 12 H2O बन के, मतलब CO2 और वाटर का रिएक्शन होता है, जिससे क्या कार्बोहाइड्रेट बन जाता है, 6H12O6, ठीक है, प्लस 6H2O + 6O2, मतलब यहाँ पे वो ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है। तो ये क्या है, फोटोसिंथेसिस, इसका रिएक्शन पूछ देगा, इसमें आपको चार रिएक्शन दे देंगे, ठीक है, तो इसको आपको इसका जो रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, पता रहेगा, तो जो सही है वो आप चूज कर सकते हैं। रिएक्शन चार दिए रहेंगे, जो सही है उसको आपको टिक लगाना है। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के रूप में कार्य करता है, ठीक, तो इसमें क्लोरोफिल जो प्लांट है, पौधा, उसमें क्या क्लोरोफिल होता है, इसीलिए क्या होगा, उसमें फोटोसिंथेसिस होता है, तो क्लोरोफिल इसमें प्रकाश संश्लेषण के रूप में कार्य करता है। तो यह लाल और नीला रंग में अधिक होता है, बैंगनी और पीले रंग में सबसे कम होता है, बता चुका हूँ। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में एटीपी के 18 अणु, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। फोटोसिंथेसिस में क्या होगा, एटीपी के 18 अणु, मतलब 18 मॉलिक्यूल्स एंड ग्लूकोज के प्रत्येक अणु के संश्लेषण में शामिल रहते हैं, ठीक है, तो मतलब एटीपी के 18, मतलब 18 मॉलिक्यूल्स एटीपी, एटीपी का फुल फॉर्म पूछते हैं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, तो इसमें ग्लूकोज के जो ऑक्सीकरण है ना, उसको मतलब उसके लिए 18 ATP इसमें एनर्जी का यूज होता है। वायुमंडल मुक्त ऑक्सीजन पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण से आती है, ठीक है, तो जो एटमॉस्फेयर है उसमें O2 है, मतलब जो जो प्लांट है उनको फोटोसिंथेसिस होता है ना, उसके कारण उसमें प्रेजेंट होता है, 21% होता है, तो मेन कारण क्या है, फोटोसिंथेसिस। जैसा अब यहाँ पे फ्रूट्स हैं, और उसमें जो जो फ्रूट्स है उसका कौन सा पार्ट को खाया जाता है, ठीक, तो यहाँ पे मूंगफली है, ठीक, तो उसका बीज पत्र है भ्रूण कोष, और यहाँ पे एप्पल है, अनानास है, पुष्पासन, ठीक, उसको पपीता है, आम है, उसको मध्य फल वृद्धि, नारियल भ्रूण कोष, गेहूं का भ्रूण कोष, टमाटर का के फल वृद्धि एवं बीजांडासन, लौंग, फूल की कली, फूल की कली है वो लौंग होता है, तो कहा जाता है सीजी भी अपन पूछा था, ठीक है, PWD में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, आप देख सकते हो। ये क्या है, साइंस का है, जूलॉजी सेक्शन है ना, मतलब प्लांट, जो भी प्लांट है उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आते हैं तो इस तरह से आएंगे, ऐसा है। अब इसमें हम जो बायोलॉजी का जूलॉजी सेक्शन है, आज की क्लास में हम कवर कर चुके हैं, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा इस टाइप से। इसके बाद हम लोग इसमें केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन एंड क्या किस टाइप क्वेश्चन आएंगे बताऊंगा, आज की क्लास में यही इतना ही बता रहा हूँ, ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट होगा वो केमिस्ट्री का टॉपिक आएगा। आई होप यू एंजॉयड माई सेशन, थैंक यू गाइस, एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू, गुड नाइट।